हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10 बज गए हैं और यहाँ से हमारा रूटीन अर्ली मॉर्निंग से शुरू हो जाता है वैसे तो, लेकिन आज हमने अपना व्लॉग शुरू किया है इस टाइम से, 10 बजे से। और अभी माँ जो है वो चने लेकर आई है, एक हल्दात में और गई थी। हल्दात जहाँ से मिट्टी लेकर आते हैं, चूल्हे बनाते हैं, शादी में ये प्रक्रिया होती है। अभी हमारे यहाँ पर तो कोई आ नहीं रही, नहीं तो आपको पूरा ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ पर पूजा पाठ होती है, कैसे शादियों में विधि विधान से होती है, तो वो सब दिखाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे। अमित की शादी जल्दी करेंगे और उसमें सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो जी, आज धूप अच्छी खासी सुबह से निकली हुई है और पिताजी ने सारे पशुओं को आज नहाई नहाई करवा दी है और अभी भी लगे हुए हैं। ये देखिए, गाय भैंस कृष्णा सारी की सारी नहा ली है। सुबह के टाइम ताज़ा पानी भर लिया था पिताजी ने। और ये लेकर आए थे रात कुछ फ्रूट्स, बाजरा, क्योंकि डॉक्टर साहब ने अपने खाने की डाइट प्लान जो है वो चेंज कर दिया है इनकी भी सबकी। और ये रहा बाजरा, बाजरा मैंने सूखने के लिए यहाँ पर डाल दिया है। जब लाइट आएगी तो चक्की लगाएंगे और फिर इसमें थोड़ा सा चना डाल के पीस लेंगे, चने अभी मंगाएंगे। तो जी, अभी गुड्डू आज स्कूल नहीं गई है, घर पर ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक सी हो जा, जब भी उसे खांसी वासी कुछ भी हो जा, वीक तो खैर है ही वो। हमने सोचा कि आज रेस्ट कर लेगी गुड्डू घर पर रहकर और कल चली जाएगी। ये भी नहा के थोड़े तैयार हो रहे हैं, पता नहीं किंगे जाने की तैयारी है इनकी। और जो गुड्डू का ब्लड सैंपल दिया गया था कल, आज उसकी रिपोर्ट्स भी आ जाएगी, तो दोपहर तक फिर उसके बारे में भी बता देंगे आप सबको, क्योंकि जी सब पूछ रहे थे इनकी रिपोर्ट्स के बारे में भी। तो जी, ये है इनकी रिपोर्ट्स में। तो चलो जी, खैर इस चीज़ पर हम गौर देंगे, बहुत ज़्यादा गौर देंगे, क्योंकि हेल्थ का मामला है। तो जी, जान है तो जान है, वरना कुछ भी नहीं है। तो चलो जी, लग जाते हैं अपने रूटीन पर। दिन के बज गए हैं 11 और अभी लंच बनाने की तैयारी। यहाँ पर बनेगी मिक्स वेज। माँ ने आलू, गाजर, गोभी एक जगह काट कर धोकर रख दिए हैं और इस कटोरी में डाल दिए हैं प्याज काट कर, और इसमें डाल दिया एक कटोरी शिमला मिर्च, और इसमें है टमाटर, और यहाँ पर ये है हरी मिर्च। तो चलिए जी, कढ़ाई चढ़ा देते हैं। कढ़ाई में डाल लिया है 1 चम्मच देसी घी और अब डालेंगे इसमें जीरा। और जीरा डालने के बाद में आज ये थोड़ी सी डालेंगे राई, जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो हमारा सूख गया था, तो इसको भी थोड़ा सा चटका लेते हैं। और अब ये बारीक कटा हुआ प्याज, क्योंकि जीरा जो है वो भुन चुका है और राई भी। और इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच ही मान लेंगे ना हरी मिर्च को, देखो कितनी सारी काट रखी माने, इन्हें भी इसमें ही डालकर थोड़ा सा फ्राई कर देते हैं। आज धूप इतनी ज़्यादा लग रही, बहुत तेज लग रही, और मुझे तो फिक्र इस अपने पेड़ का हो रहा, कनियर के पेड़ पे अब तक तो एक भी पत्ती टहनी नहीं आई। इसकी कटिंग तो करवा दी थी सर्दी के मौसम में कि धूप आ रही आंगन में, लेकिन आज की धूप को देखते हुए ऐसा लग रहा कि कब इस पर पत्ते आएंगे। बस अब जो इंतज़ार शुरू हो जाएगा इस पर पत्ते आने का। तो जी, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है। अब डालते हैं सबसे पहले इसमें टमाटर, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा खाना जो है मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है, तीनों टाइम नाश्ता, खाना, डिनर सब कुछ, इसलिए छांव की ज़रूरत तो यहाँ जल्दी पड़ेगी। फिर मैंने माँ को बोला कि वो भी इसी में मिला देंगे मिक्स वेज में ही, तो जैसे धनिया पत्ती डालते हैं ना, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अब इसमें डालते हैं मसाले। सबसे पहले नमक, कलर के लिए 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अभी डाल देते हैं ये तीनों सब्जियां जो माँ ने काट कर रख रखी है यहाँ पे, और इनका पानी जो है इस प्लेट में निकल गया। तो अब सब सब्जियों को मिला देते हैं अच्छे तरीके से मसाले में। अभी डाल देते हैं इसमें ये हरा प्याज जो कि माँ ने काट कर मुझे दे दिया है, और इसमें पानी भी डाल दिया था, तो अब इसको भी ऐसे मिला देते हैं। कढ़ाई थोड़ी सी सब्जी के अकॉर्डिंग छोटी लग रही होगी, लेकिन जैसे सब्जी पकना शुरू होगी तो ये नीचे बैठ सी जाएगी ना, तो इसमें सारी सब्जी अच्छे से बन जाएगी। तो अब ज़्यादातर खाना मैं जो है इसमें बनाती हूँ, लोहे की कढ़ाई में ही।
हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त और 12:30 बज गए हैं। अभी थोड़ी देर में पिताजी जाएंगे बच्चों को लेने के लिए बस स्टॉप से, और ये हमारी गोरी गाय खड़ी हो चुकी है अंदर जाने के लिए, और सारे के सारों ने इन्होंने अच्छे खासी धूप सेक लिया है। हवाओं के साथ में 2 दिन से बहुत तेज़ धूप निकलती है, और ये लाला तो इतनी बढ़िया तरीके से सेकता रहता है, बहुत बढ़िया। आज तो इसने खूब मस्ती की है वार्म अप करके। सुबह के टाइम ये खुला छोड़ दिया था तो इसने खूब इंजॉय किया, पूरे इसमें कच्चे उसमें इसने अपने पैर छाप दिए, देखो गड्ढे गड्ढे कर दिए थे। कृष्णा आराम से बैठी है, और ये हमारी भैंस की गर्दन का जो भी कुछ निकला हुआ था इसकी गर्दन पे, वो अभी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, ये दब गया है। ये देखिए, इसके ऊपर रोज लेप लगाते हैं और ये फूटा तो है नहीं, दब गया वो अच्छा है, नहीं तो फूटने के बाद में अगर इसमें मुँह भी बन जाता तो इसमें जख्म हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इसकी चैन है और कपड़ा ट्यूब वगैरह कितनी भी लगा लो लेकिन ये घिसकर जो है हटा देती है उसे। तो ट्यूब भी कई बार चाचा जी ने डाली है इसमें, कई बार आपने सजेशन दिया था कि उसमें ट्यूब लगाइए, गल खोल बनाते हैं उसकी कपड़े की तो ये थाम नहीं पाती। अभी मैंने लगा दिया मशीन, एक बार के कपड़े हो गए हैं, अभी उनको निकालते हैं और फिर बनाएंगे रोटी। आज हमने खाने में बनाई है चने की दाल और मटर मिक्स करके, दोनों दालें ही हो गई, हरी मटर निकली हुई रखी थी, आज एंड हो गया। जो थोक के भाव में सब्जी आई थी अब की बार काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, धनिया पत्ती भी सारा ही ख़राब हो गया था क्योंकि वो साफ़ करने का टाइम नहीं मिल पाया, स्टोर करने का, वो पन्नी में मैंने ऐसे रख दिया था तो सारा काला पड़ गया। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम जैसे हेल्थ इश्यू चल रहे ना घर में, तो सब्जी वगैरह ज़्यादातर फ्रिज का खाना ही बनना, तो ये वाली सब्जियाँ खा नहीं रही जो थोड़ी सी भारी हो, तो इस वजह से फिर हम भी सोचते हैं कि अपने लिए अलग क्या बनाएं, इसमें से हम भी खा लेंगे। तो इस वजह से अब की बार हमारी शिमला मिर्च भी बहुत सारी ख़त्म हुई है। शिमला मिर्च तो खैर हम लोग अपने उपमा में या ओट्स में जो भी कुछ वेज बनाते हैं उसमें यूज कर लेते हैं। तो चलो जी, कपड़े हैं बहुत सारे, इनको निकाल देते हैं और अगले वाले डाल देते हैं, क्योंकि मैंने सारे कपड़े यहीं पर इकट्ठे कर रखे हैं जब तक आरू सारूशी भी आ जाएंगे। आज है सैटरडे, कल हो जाएगा संडे, तो अगर अभी आ गए तो मैं उनकी ड्रेस भी अभी धो दूंगी। तो एक बार के कपड़े मशीन में धुल चुके थे क्योंकि मैंने काफ़ी सवेरे मशीन लगा दी थी, और इसमें ना ज़्यादा हल्के से लाइट कलर के जो कपड़े थे, और माँ की साड़ी मैंने डाली थी वो बहुत गंदी हो रखी थी, क्रीम कलर के माँ के कपड़े गंदे हो ही जाते हैं क्योंकि उन्हें पथवारे वगैरह में जाना पड़ता है। तो जी, ये कपड़ों की धुलाई हो चुकी है, अभी ये दूसरे वाले डालूंगी, और आज ना इसका ड्रायर ठीक हो चुका है, इसमें चिमटी वगैरह रबड़ वगैरह पड़ी हुई थी तो वो सब निकलवा दी है, तो आज सारे कपड़े इसी में सूख जाएंगे। दूसरी मशीन अब यहाँ से हटवा दूंगी मैं, क्योंकि अब इसका ड्रायर जो है वो अच्छे से चलने लगा है, अब दो दो मशीन में लाइट भी तो खर्च होती है। तो जी, यहाँ पर आधे से ज़्यादा लगभग कपड़े हमारे धुल चुके हैं, बस एक बार के रह गए हैं, अभी इन्हें भी डाल दूंगी। आंगन में अच्छी खासी धूप है तो इसलिए सारे कपड़े नीचे ही डल जाएंगे, और हवा भी अच्छी खासी चल रही है, तो अभी जो कपड़े सूख गए हैं इन्हें साथ के साथ डाल देते हैं, क्योंकि छांव जो है वो आती जा रही है सूर्य देवता जब घूमते हैं। चिंकी यहाँ पर कुछ बना रही है, अब हमें नहीं पता, और ये भी कटिंग कर रही है बहुत सारी चीजों की। चिंकी क्या बना रही है बेटा? ये डोरेमोन का कैरेक्टर बना रही है। अच्छा, डोरेमोन का कैरेक्टर इसने बनाकर तैयार कर दिया है, और बहुत सारे कलर ले लिए हैं, अब ये कलर करेगी इसमें। यहाँ पर कटिंग भी बहुत सारी चीजों की है, और पूरे रूम में इसने इस तरीके से अपना सामान फैला रखा है। आज गुड्डू की थोड़ी सी तबीयत नासाज है, और कल उसे डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, अभी उसे खाना खिलाकर दवाई दे दी है, और कल तो उसने ही बनाया था इसका एक प्रोजेक्ट, लेकिन आज चिंकी को खुद बनाना पड़ा, तो बहुत अच्छे से इसने अपने प्रोजेक्ट को तैयार किया बनाकर। और ये स्टॉल पर लगने वाला है डोरेमोन, और इसे और बड़ा बनाना चाहिए था जब स्टॉल पर लगाना, तो है नहीं अभी तो छोटा ही बनाया, छोटा ही। अच्छा। जब और बड़ी हो जाऊंगी तो और बड़ा बना लूंगी, अभी तो बहुत सारी चीजें बनानी ना। एक बार और आपको दिखा देते हैं ये डोरेमोन, और जब इसमें कलर हो जाएगा उसके बाद फिर दिखाएंगे कलर इसमें। बेटा ऐसे ही करना जैसे असली का डोरेमोन होता है, ठीक है? फोन रखा, लाइट ब्लू होता है ना डोरेमोन में, एक हम लोग लेकर आए थे रेडीमेंट वाला, तो उसमें ऐसा ही था। हाँ चिंकी, हमारे स्टॉल पाइयो गेम्स का स्टॉल है हमारा। ठीक है बेटा, जब आप हमें इनविटेशन दे रहे तो हम जरूर आएंगे तुम्हारे माँ बापू जी, ठीक है? आज पीस रहे हैं हम बाजरा अपने डाइट में शामिल करने के लिए, और हम नहीं, पिताजी पीस रहे हैं ये, क्योंकि पिताजी ना चक्के अपने हिसाब से चलाते हैं और कहते हैं मैं अपने हिसाब से पीस दूंगा, इसके अलावा ना लगियो। बेटा चप्पल पहन लो, जूते नहीं। चप्पल पहन लो, देखो बहुत धूप हो रही है आज तो, है? नहीं, जूते पहन। कहाँ जाओगे जूते पहन के आप? जूते? हाँ।
माची मोटरसाइकिल पर माची बैठते है। मोटरसाइकिल पे? हाँ, माची बैठ बाहर। हाँ। क्या करोगे जाके वहाँ? माची छोटा बेबी देखता होगी। छोटा बेबी देख के आओगे? हाँ। कहाँ है छोटा बेबी? बाहर है। बाहर? हाँ, छोटा बेबी दूर है बाहर। किसने बताया आपको? हमने। मैंने? मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि छोटे बेबी तो हमारे घर में ही है, जैसे कि एक ये है हमारा नंदनी, ये भी तो छोटा बेबी है। और उसी भी छोटा बेबी है और उस भी छोटा बेबी है। मेरी छुट्टी है। छुट्टी कब तक है? आरुष आरुषी तो जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते फिर? मेरी छुट्टी है, मैं पार टूटता हूँ बाहर, छोटा बेबी देता हूँ। स्कूल में नहीं जाना, छोटा बेबी देख के आना। गए तो थे आप एक दिन, मैडम ने क्या बोला था? मारा था। मारा था? पहले ही दिन प्रसाद दे दिया? नहीं, मारा था। झूठ बोलते हो, जाते हो नहीं, कह रही मैडम ने मारा था है? चलो अच्छा, जूते पहना दो। लाओ इसमें दोनों हाथ से पहनाऊ? हाँ, नाची रहते यो। क्या यो? यो यहाँ से रख दूँ? कैमरा बस, सब ठीक है। अब कहाँ जाओगे? अब पाला टूटता हूँ नहीं, छोटा बेबी देखता हूँ नहीं। जाओ तो देख के आओ, मुझे बताना कैसा था, ठीक है? पापा जी, मैं तो मोटर साइकिल पर जाऊँ नहीं आपके साथ। मैं नहीं जा रहा हूँ, जाओ चाबी रखी वहाँ ले जाओ। नहीं, आप देओ। चलाना सीख लो और जाओ। आप देओ। नहीं, मैं नहीं जा सकता भाई। आप तू देओ। क्या देऊँ मैं? वो क्या? चप्पी मोटर साइकिल थी। चला लोगे आप? नहीं, आप ही चलाइयो। मैं चलाऊं आपको बिठा के? हाँ। मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप ही चला सकते।